हेलो एवरीवन, दिस इज अमायरा। आई एम स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 22 जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली राशि जो है एरीज यानी कि मेष राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 10 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज मैं बोल सकती हूँ आज तो आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब पैसे की जैसे बरसात हो जाए, कुछ ऐसा दिन आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो वो पेमेंट आ जाएगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो वो प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छा धन दे करके आज जा सकती है। ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो, किसी लेडी की वजह से लाइफ में कोई ना कोई फ़ायदा आज आपको हो सकता है, और ये फ़ायदा पुश्तैनी ही दिखाई दे रहा है। मुझे होता है ना कि पुराना कोई दादा ने कोई प्रॉपर्टी आपके नाम की, उस पर कोई फाइट चल रही थी, अभी तक आपको नहीं मिली थी, बट आज आपको एक न्यूज़ मिल सकती है कि ये जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है ये भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई है। तो अगर कल तक आप बिल्कुल गरीब थे तो समझ लेना आज से आप अमीर हो गए हो, ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिखाई देती है। तो काफ़ी पॉजिटिव दिन रहने वाला है। कलर की यहाँ पे बात करूँ तो जो स्काई ब्लू कलर होता है वो आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस कार्ड्स आए हैं हर्मिट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आज का दिन आपके लिए बना है ज्ञान गंगा वाला दिन, यानी कि ज्ञान लीजिए, जितना हो सके मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो उनके पास आज आपको विजिट ज़रूर करनी चाहिए। खुद भी जो है अगर मन थोड़ा सा भी विचलित दिखाई दे रहा है, बहुत परेशानी आज आपको हो सकती है, तो मेडिटेट आपको ज़रूर और ज़रूर करना है, और कोशिश कीजिए कि इफ़ यू कैन टेक अ ब्रेक एंड यू कैन गो टू दी माउंटेन्स, तो आज आपको वहाँ के लिए भी निकल जाना चाहिए। आपके आसपास आपके दोस्त यार जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, उनमें से कोई इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है, उसकी सच्चाई भी सामने आ सकती है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपसेट आज आप फील कर सकते हैं। कलर की बात करें तो ग्रे कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि कार्ड्स आपके लिए आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं ऑलरेडी, बहुत धोखे खा चुके हैं लाइफ में, इसीलिए किसी नए इंसान पर विश्वास अब आपको होता नहीं है। लेकिन जो आज की एनर्जी है वो डिमांड करती है कि काम के मैटर के अंदर आपको विश्वास जो है करना ही पड़ेगा, भलाई आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बदले काफ़ी ज़्यादा हताश हो आप वहाँ पर मत करो, लेकिन योर वर्क इज़ रियली डिमांडिंग यू टू ट्रस्ट, तभी आगे आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आपके प्रमोशन की बातचीत भी आज हो सकती है, और आपको कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई पोजीशन, कोई नई जॉब भी मुझे यहाँ पर ऑफर होते हुए दिखाई दे रही है। तो अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलने वाली है आज, लेकिन आपको जिस चीज से निकलना, जो चीज आपको रोक रही है वो क्या है, पास्ट में मिले हुए धोखे, ठीक है, उस चीट से बाहर निकलिए, उन धोखों से बाहर निकलिए, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। कलर की बात करें तो ब्लैक कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। कर्क राशि कैंसर कार्ड्स आया है डेविल एंड द हर्मिट, 2 मेजर आर्कानाज, और दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट एनर्जीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहाँ पे शैतान हावी हो रहा है, वहीं पे भगवान भी साथ साथ जो है विराजमान है। तो आपके केस में ये क्या कहना चाहता है, आज के दिन में आप काफ़ी ज़्यादा जो है फंसा हुआ फील कर सकते हो, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपके आसपास ना बहुत नेगेटिविटी हो गई है, आसपास के लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके काम, आपकी एनर्जी, ये सब इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन हर्मिट का कार्ड क्या अश्योर कराता है कि अगर आप कोई साधक हैं, अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो ये जो एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी, ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो, मंत्र चांट करते हो, मेडिटेट करते हो, हवन करते हो, यज्ञ करते हो, कुछ भी करते हो, उसको वापस से आज आपने करना शुरू कर देना है, तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव एनर्जी है ये बहुत जल्दी जो है आपसे दूर भागना शुरू कर देगी। कलर की बात करें तो वाइट कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। लियो सिंह राशि कार्ड्स आपके लिए आए हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइंस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लग रहा है कि अगर डेप्ट्स में थे तो फाइनली आज का दिन आपको आपके उन डेप्ट से यानी कि उस उधार से मुक्ति दिला सकता है। कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप लाइफ में मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। काम को लेकर के ट्रैवल भी यहाँ पे इंडिकेटेड है, तो काम को लेकर के आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बोलूँ कि ब्रांड्स, अगर किसी का कोई बहुत शौक है ब्रांड्स का वगैरह का, तो आप स्पेसिफिकली किसी ब्रांड के बारे में बहुत क्रेजी हो और उसके उससे रिलेटेड कुछ खरीदना चाहते हो, तो आज आप वो खरीद पाओगे, आज आप उसकी शॉपिंग के लिए जा पाओगे। कलर की बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा।
वर्ग कन्या राशि। यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए आए हैं लवर्स एंड टेन ऑफ कप्स। तो यहाँ तो प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। चाहे तो खुद की शादी पक्की हो जाएगी, वरना शाम होते होते किसी और की शादी अटेंड करने के लिए जा सकते हो। प्यार में भी पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा और रोमांटिक दिन आज व्यतीत करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। रोमांस इज एवरीवेयर। कुछ लोग अगर बेबी की प्लानिंग कर रहे थे और अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज आपको किसी नन्हे मेहमान के घर में आने की खुशखबरी भी मिल सकती है। कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। लीब्रा तुला राशि, कार्ड्स आपके लिए आए हैं एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कॉइंस। प्यार का नया ऑफर आया है, लेकिन आप हैं कि काम में उलझे हुए ही दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कोई ना कोई आज आपको प्रपोज कर सकता है, लेकिन आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप उस प्रपोजल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और सामने वाले इंसान को थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है आपसे। आप काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ऑफिस के अंदर कोई ना कोई थोड़ी सी टेंशन हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के, स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आपको दोषी ठहराया जा सकता है, आप पे थोड़ा सा ब्लेम लगाया जा सकता है। इसीलिए आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशान भी नज़र आ रहे हो, बहुत इन्वॉल्व भी नज़र आ रहे हो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोगों की केस में बोलूँगी कि काम को लेकर के सब सेट है और पर्सनल लाइफ में भी बाहर आई हुई है, नया लव एंट्री करने वाला है और नए लव के साथ में आप काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हो और मुझे लगता है कि ये रिश्ता आपकी लाइफ में आगे चल करके टिकने भी वाला है। कलर की यहाँ पर बात करें तो गोल्डन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो कार्ड्स आपके लिए आए हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। किसी भी हाथ में आज का हाथ डालोगे वाला बंदा है तो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। नई गाड़ी खरीदना चाहते हो तो गाड़ी की बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग अगर आप लोग फौज में है ना, आर्मी बैकग्राउंड से है, कुछ फाइट वगैरह ऐसा कुछ होने वाला है, कोई कॉम्पिटिशन है, तो मुझे लगता है उसमें भी विजय जो है आज आपकी ही होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दिन बिल्कुल आपके फेवर में जा रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आज अपनी फीलिंग्स का इजहार वो आपके सामने कर सकती हैं। कलर की यहाँ पे बात करूँ तो ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा। सेजिटेरियस कार्ड्स आए हैं एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कॉइंस। भाई मैं बोलूँगी बहुत ही खुशी का दिन साबित होगा, बहुत लकी डे दिखाई दे रहा है, बहुत ब्लेस्ड डे दिखाई दे रहा है। पैसे की बात करूँ तो अबंडेंस में पैसा आ रहा है और आपके घर में आज किसी नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजते हुए भी नज़र आ रही है। जैसे होता है कि बच्चे को आने में 9 महीने लग जाते हैं, तो 9 महीने के बाद जो खुशी आती है उस बच्चे के आने के साथ साथ, वो खुशियाँ मुझे आपके घर में जो है नज़र आ रही हैं। और ये बच्चा आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी भी साबित होगा, ऐसा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के दिन की एनर्जी सुपर पॉजिटिव है, सारे काम आपके अच्छे ही होने वाले हैं। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आंख बंद करके बिल्कुल मस्ती में झूमते हुए आज का दिन आपको व्यतीत करना है। कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। कैप्रिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए आए हैं 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वंड्स। जहाँ पे काम को लेकर के ओवरबर्डन रहेगा, बहुत ज़्यादा काम है, शाम को पार्टी में जाना है, उसके लिए भी लेट होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक टाइम से पहुँच नहीं पाओगे, दोस्तों से और रिश्तेदारों से शिकायत सुनने को मिल सकती है। काफ़ी लोग स्पेसिफिकली किसी थीम पार्टी को अटेंड करने के लिए भी आज यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। कोई मास्क वगैरह वाली पार्टी जो होती है आप उसको अटेंड करने के लिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। काफ़ी लोगों को माइग्रेन की हेड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेड इंजरी भी हो सकती है, इसीलिए अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो आज सेल्फ ड्राइव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। बट अदरवाइज पूरा दिन जो है वो ओवरऑल हैप्पीनेस भी लेकर के आपके लिए आएगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कलर की यहाँ पर बात करें तो पर्पल कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। एक्वेरियस एस ऑफ वॉन्स एंड 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप सिंगल मदर हो या कोई सिंगल पेरेंट हो जिसको बच्चा भी हैंडल करना है, पेट भी हैंडल करना है और अपना काम भी हैंडल करना है, तो आज का दिन थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजेस भरा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसके अंदर, काफ़ी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन है ना टूवर्ड्स योर वर्क, तो आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, कोई ना कोई नई वर्क अपॉर्चुनिटी भी आज आपको मिल सकती है। कलर की मैं बात करूँ तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा।
पाइसेस यानी कि मीन राशि। कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड नाइन ऑफ वॉन्स। पैसों की चिंता आज आपको बहुत सता सकती है, कोई पेमेंट्स करनी है, आपकी पेमेंट पीछे से आई नहीं है, यू आर लैकिंग द मनी। तो होता है ना कि आपको बहुत डर लग रहा होता है कि यार लोग पैसा मांगेंगे, मैं पैसा कैसे दूंगा, इस तरीके की घबराहट मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। दूसरा, अगर आप कोई हॉरर मूवीज़ वगैरह देखते हो तो मुझे लग रहा है कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी मूवी भी देखने जा सकते हो आज आप। और अगर मैं बताऊँ तो बहुत रिसेंट रिलीज़ भी है कि टैरो नाम की मूवी रिलीज़ हो चुकी है और वो काफ़ी जो है यहाँ पर एक हॉरर मूवी बताई जा रही है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट मूवी, क्योंकि आपके केस में मुझे लग रहा है कि कोई हॉरर मूवी आप देखेंगे। किसी फैक्ट्री वगैरह में, अगर आपकी कोई पुरानी फैक्ट्री है तो वहाँ पर उस जगह पर आग लगने जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। सो बी केयरफुल, राइट, ध्यान रखिए। कलर की यहाँ पे बात करें तो ब्लैक कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9 जो है वो आपके लिए लकी रहेगा। ये था आपका आज का टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।